नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मित्रों, ये जो वीडियो है ये तुला राशि वाले लोगों के लिए बेहद ही खास है, बेहद ही विशेष है। तुला राशि और तुला लग्न के जितने भी लोग हैं इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि काफी आपको अच्छा डायरेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। और ये जो दिवाली 2023 आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा बड़े चेंजेस लेकर आएगी, काफी ज्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर बदलाव आ सकते हैं इस दिवाली पर। तो उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये जो दिवाली है हमारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा हेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, लक वाइज, ओवरऑल हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से ये जो दिवाली है हमें ब्लेस कर सकती है, और इस दिवाली के बाद कैसे हम जो हमारा आने वाला ईयर है 2024 है, नवंबर दिसंबर के भी 2023 के जो 2 महीने हैं उनको हम अच्छा कर सकते हैं, और कैसे एक अच्छा पाथ अपनी लाइफ के लिए आगे आने वाले 6 महीनों के लिए हम सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसके ऊपर रहने वाला है। तो अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो तुला हमारी राशि होती है, राशि के जितने भी हमारे जातक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो फिफ्थ हाउस होता है, यानी कि जो पंचम घर होता है हमारा, वो कुंभ लग्न होता है, यानी कि कुंभ राशि होती है पंचम घर में, पंचम हाउस के अंदर। और फिफ्थ हाउस में इस समय शनिदेव बैठे हुए हैं आपके। अभी देखिए, जो फिफ्थ हाउस होता है वो कुंडली का बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस हाउस माना जाता है, और जो फिफ्थ हाउस होता है वो कुंडली के अंदर काफी ज्यादा नई नई क्रिएटिविटी लेकर आता है, नए एक्सपेंशन लेके आता है, नई ग्रोथ लेकर आता है। और शनिदेव आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, शनिदेव जो होते हैं वो एक तरह से स्थिरता का प्रतीक होते हैं, यानी कि जो शनिदेव होते हैं वो आपकी जितनी भी आपकी लाइफ होती है तो उसके अंदर जो भी स्थिर काम आपके होते हैं, फिक्स काम होते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए, अगर आप शनिदेव का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपका जो करियर है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, शनिदेव की चाल थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन शनिदेव अगर फायदा देते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा भी हमें वो प्रोवाइड करते हैं। अभी फिफ्थ हाउस के अंदर शनिदेव ये डिनोट करते हैं कि अगर आप कुछ भी ग्रोथ का काम करेंगे, क्रिएटिविटी का काम करेंगे, कोई भी चीज आप एक्सपेंड करने का प्लान करेंगे तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव का यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो देखिए, ये जो समय है बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। शनिदेव अभी देखिए 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं और दिवाली उसके बाद आ रही है, तो अगर आप कुछ भी क्रिएटिव काम अभी शुरू करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी अगर आप यहाँ पर शुरू करते हैं तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। अब क्रिएटिविटी से हम बात ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो अभी तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप जॉब में कुछ चेंज करना चाहते थे तो जॉब में चेंज कर सकते हैं। कोई नई हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई आप अल्टरनेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे जॉब करते हैं लेकिन साथ में कुछ अल्टरनेट बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अभी देखिए, फिफ्थ हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट का हाउस है, तो आप यहाँ पर ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आप लंबे समय तक उसको आप लेकर चलें, यानी कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल या 2 साल अगर आप उस स्टॉक को रखते हैं तो ये समय उसके लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए, शनिदेव फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हैं तो शनिदेव से जुड़े हुए काम करेंगे, यानी कि देखिए जॉब अगर इस समय शुरू करेंगे तो जॉब भी लंबे समय तक आपकी चलेगी। इसी के साथ में अगर आप शनिदेव से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे ऑयल का कोई काम करते हैं, तेल से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा ब्लेस करेंगे, क्योंकि देखिए जो आपकी कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस की ऑस्पिशियसनेस है कहीं ना कहीं शनिदेव से कनेक्टेड है, और शनिदेव अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर इस समय है, तो निश्चित ही आपको यहाँ पर ब्लेसिंग प्रोवाइड करेंगे। आगे देखिए बात करते हैं कि देखिए शनिदेव का जो तीसरा एस्पेक्ट है यहाँ पर वो पड़ेगा 7th हाउस के अंदर, यानी कि 7th हाउस आपका बिजनेस पार्टनर का हाउस होता है। तो बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ भी आप अगर नया प्लान करना चाहते हैं, बिजनेस में जुड़ के कुछ नया प्लान करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ के लिए कुछ आप प्लान करना चाहते हैं तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अगर आप चाहते हैं कुछ एफर्ट्स करना, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी। तो आप इस समय करेंगे तो आपका काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगा। इनोवेटिव कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद से शनिदेव का जो यहाँ पे 7th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस के अंदर पड़ेगा। तो देखिए, आपकी इनकम जो है वो थोड़ी स्लो बढ़ सकती है यहाँ पर, लेकिन जो इनकम आपकी आएगी इस समय वो काफी ज्यादा आपकी, देखिए स्लो तो होगी लेकिन वो हमेशा प्रोग्रेस करने वाली होगी।
धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन वो मंद गति से आगे की ओर बढ़ेगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए इनकम के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आपके आय भाव यानी कि लाभ भाव में पड़ेगी। धीरे धीरे लाभ होगा, लेकिन लाभ अवश्य होगा, और ये शनिदेव के द्वारा दिया लाभ होगा। शनिदेव जो लाभ देते हैं वो कभी जिंदगी से खत्म नहीं होता, तो आपकी जिंदगी में लाभ अच्छा होगा। आप देखिए जो आपके दोस्त हैं, आप अगर अच्छे दोस्त बनाते हैं तो जिंदगी भर आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। शनिदेव से जुड़ के अगर आप दोस्त बनाते हैं, यानी कि कोई न्यायप्रिय दोस्त आप बनाते हैं, कोई डिसिप्लिन पर्सन से दोस्ती करते हैं, तो जिंदगी भर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शनिदेव की यहाँ पर जो दसवीं दृष्टि है वो सेकंड हाउस के अंदर पड़ रही है, यानी कि देखिए शनिदेव की दृष्टि धन भाव पे भी पड़ रही है और लाभ भाव पे भी पड़ रही है। बहुत ही अच्छा साइन है ये। शनिदेव की आराधना करते रहिए, शनिदेव की आप अगर पूजा करेंगे आराधना करेंगे तो आपको इनकम भी अच्छी मिलेगी और लाभ भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। बैंक बैलेंस भी आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में बढ़ेगा। तो शनिवार के दिन में मंदिर जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तो इसे देखिए आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, इनकम भी अच्छी होगी और इनकम के साथ साथ आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी काफी इंक्रीज होगा। तो देखिए ये शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में ब्लेस कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं शनिदेव की आराधना भी करिए, और कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, इस समय जरूर करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में देखिए जब शनिदेव की 10th दृष्टि होती है यहाँ पर सेकंड भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं परिवार के बारे में आप ज्यादा सोच सकते हैं, परिवार के बारे में आप बिल्कुल थोड़ा सा काफी ज्यादा परिवार की देखभाल के बारे में सोचेंगे कि मैं परिवार का टेक केयर करता हूँ, परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अगर अच्छे से निभाएंगे तो परिवार भी लंबे समय तक आपका साथ देगा यहाँ पर। तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है लिब्रा, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं, लिब्रा वाले लोग हैं, 2024 का यहाँ पर पाथ भी सेट हो जाएगा और दिवाली भी आपकी अच्छी होगी, जो हमने यहाँ पर आपको काम बताए हैं अगर आप करते हैं उन्हें। तो आगे बात करते हैं, देखिए अभी आपकी कुंडली का जो नवम भाव होता है, तो नवम भाव में आज जो नवम भाव के स्वामी होते हैं वो बुध देव आपके होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बुध देव भी की भी ब्लेसिंग अगर आप लेते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। अभी देखिए अच्छी बात क्या है कि आपके 5th हाउस के जो स्वामी है वो शनिदेव बनते हैं और 9th हाउस के स्वामी आपके बुध देव बनते हैं, और दोनों आपके जो लग्न के स्वामी है यानी कि जो शुक्र ग्रह है उनके प्रिय मित्र माने जाते हैं, यानी कि आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर, और आपको कहीं ना कहीं जो कर्म का सपोर्ट है यानी कि 5th हाउस का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा, प्रोस्पेरिटी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है अगर आप बुध देव की यहाँ पर बुध देव की प्रार्थना करते हैं, बुध देव से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए आप दिवाली या धनतेरस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, तो उससे बुध देव आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप कुछ भी बुध देव से इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, जैसे आप कुछ भी मोबाइल ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, छोटा सा बल्ब भी लेंगे तो भी उससे फायदा होगा बुध देव को मजबूत करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप राइटिंग करना शुरू कर सकते हैं। देखिए दिवाली पर बहुत अच्छा रहता है कुछ नया काम चालू करना, तो धनतेरस के दिन में कोई नई कॉपी ले लीजिए, नया पेन ले लीजिए और उससे कुछ भी आप जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। शाम के वक्त में कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, अपनी कोई हॉबी डेवलप करिए। देखिए आधे घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं जो तुला राशि वाले जातक हैं, बिलीव मी अगला साल आपको काफी ज्यादा गेम चेंजिंग परिवर्तन लेकर आएगा अगर आप कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, कुछ भी पढ़ाई का काम अगर आप चालू करते हैं। आधा घंटा जर्नल लिख दिया दिन भर में क्या एक्टिविटी हुई, या फिर कुछ आप अपनी हॉबी के रूप में कुछ पढ़ना आपने शुरू कर दिया, तो ये देखिए आप पढ़ाई करेंगे या कुछ लिखना शुरू करेंगे तो इससे आपके जीवन का जो लक है, लक काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो लक यानी कि इनकम आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। भाग्य का अगर आपको लग रहा था सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलने लग जाएगा। कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, तो हेल्थ भी आपकी अभी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए आप शनिदेव और जो बुधदेव है इन दोनों की मदद से अपना जो आने वाला साल है, ये जो दिवाली है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत ही ज्यादा देखिए हरे कलर का अगर आप प्रयोग करेंगे, यानी कि हरी सब्जियां खाएंगे, हरी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, हरे हरे कपड़े पहनेंगे, इससे भी बुध देव बहुत मजबूत होंगे। बुध देव मजबूत होंगे तो तुला राशि वालों का जो भाग्य है वो मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य का आपको काफी ज्यादा साथ देखने को यहाँ पर अवश्य मिलेगा। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, शनिदेव की आराधना करना और बुध देव की आराधना करना, निश्चित तौर पर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। इसी के साथ ही साथ में आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि भगवान के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो आपका जो 5th हाउस है और जो 9th हाउस है दोनों अगर आपने मजबूत कर लिए इस समय,
और दोनों बहुत ही इस समय बेनिफिशियल कंडीशन के अंदर चल रहे हैं। इनको अगर आपने मजबूत कर लिया, आने वाला 2025 का साल बहुत ही ज्यादा अच्छा आपके लिए जाएगा, और ये जो आने वाले 2 महीने हैं ये भी आपके काफी ज्यादा अच्छे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी और राशि के हैं और ऐसा आप प्रिडिक्शन चाहते हैं कि दिवाली आपके लिए लेकर आ रही है और अगला साल आपके लिए लेकर आएगा, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उस वीडियो को भी जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।